हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली हिंसा में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन अब इस पर राजनीति भी पूरे जोरों पर है। सारी पार्टियां एक दूसरे को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। हामिद अंसारी ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह से हामिद अंसारी की एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली ने खासे जख्म खाए हैं। बहुत से लोगों की जान चली गई। अरसे में, पिछले कई सालों में हमने पहली बार इस तरह के कम्युनल क्लैशेस देखे हैं। क्या इनको रोका जा सकता था, या अब क्या ऐसा किया जा सकता है, किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं जिससे जो सांप्रदायिक सद्भाव है वो दोबारा से कायम हो सके। इन सभी मसलों पर बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली हमारे साथ हैं हामिद अंसारी साहब। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। कम्युनल क्लैशेस हमने देखे पिछले कई सालों में दिल्ली में। आपको क्या लगता है सर, इसके पीछे की वजह क्या है कि दिल्ली में नौबत यहां तक आ गई? देखिए, दो तीन चीजें। दिल्ली शहर आज तो बसा नहीं था, बहुत पुरानी इतिहास हमारी जो है वो हजारों साल की। यहां पे कत्लाम पहले भी हुए हैं, मगर फर्क यह है कि पहले वाले कत्लाम बाहर वालों ने, इन्वेडर्स ने किए। नादिर शाह यहां आया, अहमद शाह अब्दाली यहाँ आया, इस तरह से और भी आए, समझे। बाहर वालों ने आके दिल्ली वालों को मारा, बड़े या छोटे। अब रीसेंट टाइम्स में, मैं पिछले 75 साल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दूसरी तरह के राइट्स हुए, उस दूसरी तरह की किलिंग हुई है। उसमें सबसे खराब जो 1947 में हुआ, उसके बाद भी दो चार ऐसे वाक़े हुए हैं, मगर ये शायद पहली बार है कि सब कह रहे हैं, देखने वाले भी और जो जिन्होंने, जिनके ऊपर ये गुजरा, कि सरकार ने रोकने की कोशिश नहीं की। आपको लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस था? बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस है, दो राय इसमें है ही नहीं। किसने कराया भाई ये, वो तो मालूम करेगी सरकार, मालूम करेगी अदालत, मालूम करेगी। यानी कि सर मैं ये समझूं तो इसको रोका जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता था, बिल्कुल रोका जा सकता। अरे भाई, हमारे पास इतनी, स्टेट के पास पावर है, आपके पास 1 मिलियन की फौज है, किसी की मजाल नहीं है कि आंख उठा के देख ले हमारी तरफ। लेकिन सर, अपने ही लोग मारे जाएं, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी कि वो सोती रहे? ये तो मेरा संभव है कि सरकार ने पर्याप्त प्रयास, आपके पास भी जवाब होगा, मेरे पास भी जवाब है, समझे। क्योंकि सर कम्युनल क्लैशेस होते हैं तो कई दफा ऐसी चीजें जब होती हैं तो कैसे होती। जब नादिर शाह ने, लुटेरा था, किसी बाहर के देश से आया था, जाके लाल किले में बैठा और तलवार निकाल के रख दी, और फिर 3 दिन तक दिल्ली में कत्लेआम होता रहा, तो कैसे हुआ? इशारा था ना, उसने तलवार निकाल के रख दी। तो फिर आप एक बात, बड़ी बात अभी आपने कह दी, क्या इशारा था भाई? और क्या था मैं और क्या बताऊं, कौन से शब्द आपके सामने में लाऊं? ऐसा कहीं से था भाई, अच्छा वो क्या, आप देखिए अब जो बात हो रही है, आपने जो मुझे अभी खबर सुनाई कि जो कुछ लोगों को शिकायत थी या कुछ, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन स्वीकार कर ली, वेडनेसडे को हियरिंग होगी पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने के। पॉलिटिकल लीडर्स ने कुछ कहा तभी तो एफआईआर, कोई बगैर वजह के तो एफआईआर लॉन्च करने जाता नहीं है। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने कॉग्निजेंस भी लिया था ड्यूरिंग इलेक्शन। अब उसके बाद आप वो स्पीचेस सुन लीजिए, समझे आप, उसके बाद आप खुद ही फैसला निकाल दीजिए। जज साहिबान जो हैं वो हमसे ज्यादा जानते हैं, वो अपना फैसला निकालेंगे। सर सरकार में तो बीजेपी है भाई, मुझे इससे मतलब नहीं पार्टी में, समझे आप। मैं जिस पद पे बैठा था मेरे लिए सब बराबर थे। सर आज की तारीख में भी कहा जाता है मजबूत प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही स्ट्रांग होम मिनिस्टर हैं। बहुत अच्छी तरह जानता हूं मोदी जी को, हैं बहुत स्ट्रांग रहे होम मिनिस्टर खुद अमित शाह। मैं होम मिनिस्टर पे नहीं कमेंट करूंगा इसलिए मुझे नहीं मालूम। मैं ये जानता हूं कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन एनी स्टेट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।